नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल वेदरसी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं प्रथम पुरुष के कर्ता सहतौते सातेता तत्तेतानी। आगे है मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम युवाम युयम, और मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम युवाम युयम, और उत्तम पुरुष का कर्ता अहम अवाम वयम। तो इन कर्ता का प्रयोग हम सभी आज सीखेंगे। आइए आरंभ करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे वचन विवर्तन कैसे करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, संस्कृत में एक वचन होते हैं जो एक का बोध कराता है, एक वचन जो दो का बोध कराता है वो दो वचन, और जो तीसरे का बोध कराता और तीन का बोध कराता उसे बहुवचन कहते हैं। साथ ही साथ चाहने वाले को प्रथम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए उसको उत्तम पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अहम चलामि, अब इसको वचन परिवर्तन करना है, वचन परिवर्तन करना है अहम चलामि। तो जिस बच्चे को याद रहेगा अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का कर्ता, वह बहुत आसानी से बता देगा अहम का वयम होता है, और उसी प्रकार से अहम का वयम जैसे पता कर लिए, ठीक वैसे ही धातु जिसको याद होगा चलामि, चलती, चलता, चलंती, चलसी, चलथ, चलथ, चलामि, चलावह, चलामा। अब यहाँ पर चलामि, चलावह, चलामा, वयम, चलामा, इस तरह से बच्चे बहुत आसानी से समझ करके इसे कर पाएंगे। फिर आगे देखिए कौ पठता है, तो कौ पठता जो वाक्य है इसको कहा एक वचन में चेंज करने के लिए। तो ये कौ किसका है, इसका एक वचन रूप क्या है, उस बच्चे को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, जिसको याद होगा सह कौ ते। तो कौ किसका है एक वचन, ये सह का है, सह का है, तो इस तरह से सह का है एक वचन, द्विवचन ये कौ, तो क्या करेंगे कौ पठक, सह पठति, सह के साथ ती लगता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं पठति पठता पठति, तो पठति एक वचन में आता है, तो एक वचन में सह होता है और सह के साथ ती लग गया तो सह पठति हो गया। वैसे ही देखिए दूसरा जो आपका ये वाक्य है, देखिए त्वम चलसी, त्वम चलसी क्या हो गया, अब ये मध्यम पुरुष है, अब इसको कह रहा है द्विवचन में बदलने के लिए, तो त्वम युवाम होता है, त्वम युवाम, त्वम के साथ सी होता है और युवाम के साथ क्या होता है थ होता है, तो चल थ युवाम चल थ प्रयोग करेंगे। वैसे ही जैसे अवाम रक्षा हुआ है, अवाम रक्षा हुआ का इसका एक वचन बदलना है, तो अवाम का एक वचन क्या होता है अहम होता है, तो अहम अहम एक वचन होता है तो अहम हो जाएगा यहाँ पर, और अहम के साथ क्या लगता है अहम ही लगता है, तो इस तरह से अहम चला अहम गच्छामि। इसी तरह से अन्य वाक्यों में भी इन्हीं पर विचार करके, कर्ता पर विचार करके और क्रिया पर विचार करके हम लोग इसको बनाते हैं, वचन परिवर्तन करते हैं। साथ ही साथ यदि आपको रिक्त स्थान रहेगा, रिक्त स्थान जैसे, और दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा, लिखा रहेगा सह और सह डैश रहेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे सह, और यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, आप इसमें से चुनने के लिए आपको दिया रहेगा गच्छन्ति, तो क्या करेंगे इसमें यहाँ पर क्या लिख देंगे गच्छति लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, धन्यवाद। आशा करते हैं आप सबों ने यह सीख लिया होगा कि किस तरह से वचन परिवर्तन करना है। अहम चलामि, वयम चलामः, तौ पठतः, सः पठति, त्वं चलसि, युवाम चलथ, अवाम गच्छावः, अहम गच्छामि, युयम हसथ, त्वं हससि, निर्देश के अनुसार वचन परिवर्तन करना आप सीख गए होंगे। आगे है आपको उचित
क्रियापद रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उचित क्रियापदों के साथ रिक्त स्थान को भरें। तो युवाम गच्छ, युवाम चलथ, युवाम चलथ, अवाम पठावः, यूयम गच्छथ, वयम लिखामः, तौ हसतः, ते नमन्ति। इस तरह से आप इसे बना पाएंगे। कब बना पाएंगे? जब लट लकार वर्तमान काल के धातु रूप की संरचना आप जानेंगे। तीतहंति शीतथ आमी आवह अमह, और प्रथम पुरुष के कर्ता सहतौ ते सातेता तत्तेतानि ऐसा एतौ एते ऐसा एते एता एतत एते एतानि भवान भवन्तो भवन्तः भवति भवत्यो भवत्यः। यदि इस तरह के प्रथम पुरुष के कर्ता मध्यम पुरुष के कर्ता यदि आप समझ गए कि कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन की है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। यदि कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में, यदि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। और उत्तम पुरुष के कर्ता में अस्मत् शब्दरूप होता है, और उसमें एक वचन में अहम, द्विवचन में अवाम, बहुवचन में वयम होता है। और अहम अवाम वयम आप जब समझ गए तो आशा करते हैं आप दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। प्लीज़ आप यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और आप इसी प्रकार के लंग लकार और लिट लकार के धातु रूपों का प्रयोग सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।